रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके साथ ही ये भी पता लग गया है कि फरवरी महीने में दिल्ली को उसे नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब सीएम का ताज अरविंद केजरीवाल के सिर ही सजेगा या फिर बीजेपी या कांग्रेस का कोई नेता बाजी मार जाएगा, उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में हर बात की जानकारी दी। इसी के साथ राजधानी में आचार संहिता लागू हो गई है। इस वीडियो में दिल्ली तक आपको चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी देगा। चलिए पहले आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव का क्या है शेड्यूल। नोटिफिकेशन की तारीख है 14 जनवरी यानी कि मंगलवार। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 21 जनवरी यानी कि मंगलवार। स्क्रूटनी 23 जनवरी को, वही नामांकन वापस लेने की तारीख है 24 जनवरी। वोटिंग 8 फरवरी को है और नतीजे आएंगे 11 फरवरी को। अब जरा जानिए कि आखिर दिल्ली में कितने विधानसभा सीटें हैं और क्या है वोटर्स का हाल। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें हैं 70, जिनमें 58 सामान्य सीटें हैं और 12 एससी सीट। कुल पोलिंग बूथ 13,750 बनाए जाएंगे। कुल वोटर्स 1,46,92,136 हैं, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या है 80,55,686, वहीं महिला वोटर्स की संख्या है 66,35,635। थर्ड जेंडर हैं कुल 815 और एनआरआई वोटर हैं 489। सर्विस वोटर्स की संख्या है 11,556। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अभी की विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को खत्म हो रहा है। चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग पुलिस के साथ बैठक भी की गई। वोटर्स को पोलिंग बूथ पर आने जाने के लिए पिक और ड्रॉप भी मिलेगा। इसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और एक नंबर भी जारी किया जाएगा। राजधानी में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का मुकाबला एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हमेशा ही दिलचस्प होता है। यहाँ से निकले जनादेश का संदेश पूरे देश में जाता है। दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं, जो राज्य सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।